बुरा ना मानो बहिस्तन, नई नई आई है, आदाब महफिल से वाकिफ नहीं। साहबा इनसे कह दो कि हम कोई बेगाने नहीं, हम तो तुम्हारे पांव धो धो के पिएंगे। बीबी तुम्हें क्या खबर, आज का दिन मिर्जा के लिए उसकी जिंदगी का नया दिन है। साहबा तो अपने दिन खा पी कर यूं हो गई, रह गई बहिस्तन। अल्लाह ने ऐसे चेहरा तो दिया है मगर इतना बड़ा जामुन लगा दिया है, गले में नूर, पैर में थरथराहट। दुनिया फन की कदर नहीं करती, वो तो गले के साथ साथ चांद से धुला हुआ मुखड़ा मानती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज चांद इस घर में उतर आया। समझी, तो ये गाने बजाने वालों का घर है, मुझे यहाँ मेरी मदद के लिए नहीं बल्कि अपनी मदद के लिए लाया गया है, तो यही थी आपकी हमदर्दी। देख लड़की, यहाँ अगर बात करनी है तो दबी जबान से, ये बाअदब लोगों का घर है, यहाँ चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं। आप तो यूँ बात कर रही हैं जैसे मैं आपके हाथों बिक कर आई हूँ। क्या कह रही हो बीबी, चांद की कीमत कौन लगा सकता है। साहिबा जरा नरमी से काम लो, आशियाना छोड़कर आई है, एक ही रात में कफस को कैसे प्यार करने लगेगी। मैं कोई पिंजरे की मैना नहीं हूँ जो घुट घुट कर जान दे दूंगी। मुझे यहाँ बहका कर लाया गया है, मैं शोर मचा कर सारी दुनिया को इकट्ठा कर लूंगी। तोड़ सकती हो ये ताला, यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ। बेगम, जो चिड़िया एक बार इस कफस में आई उसने हमेशा के लिए, एक पल नहीं रहा। आज जिसे गलाजत समझती हो कल वही खुशबू का भंडार होगा, जब तुम्हारे एक एक इशारे पर हजारों के नोट बरसेंगे, रईसों की अंगूठियाँ निछावर होंगी, उस वक्त देखना यही जहन्नम जन्नत का नमूना होगा। नहीं, मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए, मुझे उसी जहन्नम में वापस भेज दो जहाँ से लाए। आया तो धूप के साथ जरूर रहेगा। निर्मल, अब तुम वहाँ हो जहाँ से किसी को आप अपनी खबर नहीं आती। अब तुम्हारे लिए दो ही रास्ते, एक तो केदारनाथ के बाद और दूसरे ये मिर्जा, साहिबा, बहिस्तन, तबले और सरंगी वगैरह वगैरह। अगर मेरे साथ चलोगी तो जिंदगी बन जाएगी, और अगर इनकार करो तो सरे शाम आकर तुम्हारा दीदार कर लिया करेंगे। तुम्हारे तजुर्बे पर फिर भी भरोसा है। गरीब परवर, यहाँ तक बड़े बड़ों के बल निकल गए, ये बिचारी किस सुमार में है, अगर खुद नहीं मानेगी तो बच्चा मनवाएगा। बच्चा सुबह से तड़प रहा है, माँ हो या गाय, लो ये दूध पिला दो। नहीं चाहिए तुम्हारा दूध, चल जाया। कब तक इसे भूखा रखोगी, देख लूंगी। क्यों साहबा, क्या नतीजा निकला? हुजूर, अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है, जरा सब्र कीजिए। क्यों रही हो, कहाँ छुपा रखा है उस नई नवेली को? तैयार हो रही है, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। मिर्जा साहब, नाम क्या है महजबी का? नाम में क्या रखा है हुजूर, काम देखिए काम, 10 बरस बरहानपुर वाले उस्ताद निगोड़े के। चलो बैठ जाओ, बैठो। अर्ज करती हूँ, जरा इत्मीनान से सुनिए, पहली बैठक है गुस्ताखी माफ। शुरू करो बेटी, शुरू करो। सुना मेरे
मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है। चले जाओ यहाँ से केदारनाथ। अब राक्षस चिंगारी ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम क्या जानो निर्मल, हम इसके जोगियों का राख ही तो सिंगार। लेकिन तुम मेरी राख तक भी नहीं पहुंच सकोगे। अच्छा इतनी ना, और कुछ ना सही निर्मल, तो कम से कम हमारे सब्र की तो दाद दो। सैयद बेदाद की भी दाद मांगता है। केदारनाथ ये मत समझो कि मैंने जिंदगी में शिकस्त मान ली। इस फूल की जान की खातिर मजबूरी मुझे गाने की जिल्लत तक तो ले आई, लेकिन इससे ज्यादा गिरावट मैं जीते जी कभी भी मंजूर नहीं करूंगी। पंख कट जाने के बाद भी मैं ना उड़ने की तमन्ना रखती, लेकिन उड़कर जाओगी कहाँ? निर्मल ये वो जगह कि जहां से सिर्फ आवाज बाहर निकलती है या लाश। तो फिर लाश ही बाहर निकलेगी और वो लाश भी एक सती की होगी। ओ खूबसूरत भी हो और तेज भी। खबरदार केदारनाथ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप को खत्म कर डालूंगी। खुदकुशी की धमकी? जानती तो हो कि कमजोर दिल आदमी है, अपनी महबूबा का खून होते ना देखो। खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है, और आपके हमारे खानदान की टक्कर का दूसरा खानदान इस शहर में तो है नहीं। तो मैं बात पक्के समझूं? क्या इसके बाद भी किसी कच्चेपन की गुंजाइश रह जाती है? राजू आ गए बेटा। अच्छा ही हुआ, वो लोग तुम्हें देखने आए हैं। चलो बेटा अंदर चलो। माँ मैं कितनी मर्तबा कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी है, और तुमने आज फिर किसी को बुला लिया? छोटे सरकार एक बार लड़की देखोगे तो खुद ब खुद राजी हो जाओगे। बकवास बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कहा अगर बेवफाई करती थी तो वफा की कसम क्यों खाई थी? तुम कहा